नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने साप्ताहिक राशिफल में। देखिए साहब, कितना जल्दी जल्दी समय जो है बीत रहा है। एंड में आ गए हैं हम इस महीने के, और देखते ही देखते 4 महीने इस साल के निकल चुके हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सभी राशियों का हाल जानेंगे कि इस सप्ताह में सभी राशियों का हाल क्या रहेगा। बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में मेरे साथ, अपना जरूर देखें राशिफल, साथ साथ अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का राशिफल भी जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तुलना में अगर करूं आपके पिछले सप्ताह से, ये जो सप्ताह रहेगा आपका, ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में खास तौर से जो आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कुछ नई खरीदारी करते हुए आप इस सप्ताह में दिखाई देंगे। अगर आप व्हीकल खरीदना चाह रहे थे तो ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कैरियर से संबंधित भी फल आपको अच्छे मिलेंगे। जो व्यक्ति राजनीति में है उन्हें भी अच्छे फल की प्राप्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई जरूर देगी। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी वृषभ राशि की, कि वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई आपकी दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा के लिए, खासकर जो मिड लेवल के जॉब्स करते हैं, जैसे क्लर्क हो गए, टीचर्स हो गए, या प्राइमरी टीचर्स हो गए, उनके लिए जो है ट्रांसफर की कुछ तलवार जो है लटकती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, खासतौर से प्राइवेट में कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुछ अप एंड डाउन की स्थिति उनको देखने को मिलेगी। तो इसलिए अपने बॉस से जितना कम उलझेंगे और जितना उनकी बात को मानेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत इस सप्ताह में पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य भी आपका नरम गरम की स्थिति थोड़ी सी दिखा रहा है। तो 50-50 कह सकता हूँ आपके लिए ये सप्ताह। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी एनर्जेटिक इस सप्ताह में आप रहेंगे। साथ ही साथ आपको भाग्य का भी सहयोग पूरा मिलेगा, जिससे जो इम्पोर्टेंट काम, जो पेंडिंग काम थे आपके, उनको आप भली भांति अच्छे से कर पाएंगे। आय में वृद्धि होती रहेगी, मतलब इनकम में जो सोर्सेज हैं वो आपके बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं प्रमोशन के भी अच्छे चांसेस आपको बनेंगे। और जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो ऑल इन ऑल विन विन की सिचुएशन आपके लिए रहने वाली है। चलिए अब हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, खासतौर से जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी बढ़िया रहेगा। कुछ यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में कुछ आर्गुमेंट आपके आपके पार्टनर से हो सकते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर लाइफ का हो या आपकी बिजनेस का हो। तो आपको मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा यार बच के चलो, ज़्यादा उग्र मत हो, मतलब एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड मत हो। वहीं घर में कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि कुछ घर में कुछ पार्टी इत्यादि के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे, या उसकी प्लानिंग करते हुए आप लोग जो है वो दिखाई ज़रूर देंगे। तो कुल मिलाकर कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपको ये सप्ताह देकर जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की, कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जो जो समस्याएं आपकी चल रही थी वो समस्याएं कहीं ना कहीं आपकी खत्म होंगी, और काफी हद तक आपको रिलैक्स मिलेगा। कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है इस सप्ताह में। सामान्यतः सप्ताह जो रहेगा अनुकूल रहेगा। जो काम आप इस सप्ताह में करना चाह रहे हो वो उनको आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। वहीं दूसरी ओर कुछ भविष्य की योजनाएं भी बनती हुई दिखाई देंगी, और कुछ अगर आप अविवाहित हो, मतलब आप अनमैरिड हो, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों की बात भी कहीं ना कहीं चल सकती है। तो कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी तो देखो, मैं आप लोगों को डेली का राशिफल देता ही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए 50-50 रहेगा ये। स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरीके की कोई लापरवाही मत कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपकी कोई डॉक्टरी जांच है या डॉक्टरी चेकअप है तो इस सप्ताह में आप जरूर कराएं। और साथ ही साथ अगर आप वाहन चलाते हैं तो भी आपको बहुत ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके ट्रांसफ़र के योग अभी बने हुए हैं, तो अगर वो अपने मन मुताबिक ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। रोमांस के लिए भी समय जो है रहेगा वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होकर जरूरत है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो व्यापार करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मध्यम समय, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मध्यम समय यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो 50-50 की केस आपके साथ है। तुला राशि की बात कर लेते हैं, वैसे तो सप्ताह अच्छा रहेगा आपका, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ इश्यूज आपको भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको डायबिटीज, थायराइड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। ऑल इन ऑल विद्यार्थियों के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा सप्ताह, परीक्षा में उनका जो परफॉर्मेंस है उनका काफ़ी बढ़िया रहेगा, और सरकारी नौकरी में जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी सप्ताह रहेगा अच्छा रहेगा। बॉस से जो उनकी तुनक मिजाजी चल रही थी वो उनकी अब यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई देगी, जिससे वो भी अपने काम में और अपने मन को काफ़ी रिलैक्स यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार की स्थिति भी आपकी ठीक ही रहेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं विषु वाली राशि जो कि अब वृश्चिक राशि। सप्ताह अनुकूलता लेकर आएगा, आय में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ विरोधी आपके सर चढ़ के बोल सकते हैं, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका। कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है इस समय काफ़ी बढ़िया है, जो समस्याएं आपने पिछले सालों में देखी हैं उससे आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और उन एक्सपीरियंसेस से आप उन सभी चुनौतियों को संभाल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप एक तरीके से कहूँ वृश्चिक राशि वाले खासतौर से थोड़े से फोर साइटेड हो गए हैं, क्योंकि जो लास्ट 2.5 साल से उनके जो एक्सपीरियंस चल रहे हैं उनसे उनको पता है कि नेक्स्ट लेवल पे अब क्या होने वाला है पर्सनल फ्रंट पे। जो प्रतियोगिता के बच्चे हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा बना हुआ है, उन्हें शुभ समाचारों की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, और वहीं जो नौकरी करते हैं दोस्तों उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी बढ़िया बना हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए हम धनु राशि की बात कर लेते हैं, आपके लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा, नौकरी और व्यवसाय दोनों की दृष्टि से सफल रहेंगे आप, और जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की उनके लिए भी सप्ताह रहेगा अच्छा, और जो रोमांस में है या कपल हैं या शादी की बात करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खासतौर से सप्ताह अच्छा रहेगा, उनके जो परिणाम हैं उनके आशानुरूप आ सकते हैं, मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है, तो कुल मिलाकर सप्ताह जो है आपके लिए बेटर है। मकर राशि की बात करूं तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, कारोबारी जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं उन्हें आ सकती हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्री प्लान करके चलने की ज़रूरत है, किसी पे ज़्यादा अति विश्वास करके चलेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, भूमि भवन आदि से संबंधित विवाद कहीं ना कहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, और विद्यार्थियों को थोड़ा सा फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। आपके ऊपर भाग्य मेहरबान है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खुद की कमी है जिससे आप फोकस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फोकस करने की ज़रूरत इस सप्ताह में आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको फोकस करना होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, नॉर्मल रहेगी लाइफ, ना कोई बहुत बढ़िया ना कोई ज़्यादा घटिया, आइडल स्टेट में चलेगा। कारोबार अगर आप करते हैं तो काफ़ी बढ़िया अनुकूलता आपको मिलेगी, नौकरी वर्क के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप प्रमोशन चाह रहे थे या जॉब चेंज चाह रहे थे तो उसके लिए भी आपका अच्छा रहेगा, ट्रांसफ़र के लिए भी अच्छा है, लव लाइफ के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनसे आपकी तालमेल काफ़ी अच्छी रहेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, वो भी आपके काम की यहाँ पर प्रशंसा यानी कि अप्रिसिएशन आपकी करते हुए दिखाई देंगे, तो कुल मिलाकर विन-विन सिचुएशन आपके लिए भी। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट राशि की जो कि हमारी मीन राशि है, आपके लिए भी सप्ताह काफ़ी अनुकूल रहेगा, व्यवसाय वर्ग के लिए संतोषप्रद सप्ताह रहेगा, व्यवसायिक स्थिति आपकी सुधरती हुई दिखाई देगी, कुछ नए ब्रांचेस के बारे में आप सोच सकते हैं, नई कोई शॉप के बारे में आप सोच सकते हैं, धन निवेश से भी लाभ होगा, और पुराना कोई धन अगर आपका अटका हुआ था तो आपका मिल सकता है, साथ ही साथ रोमांस के लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो phatnagarabhi2411@gmail.com 9411848580 999 6238253 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों फिर से रिपीट कर देता हूँ, पर्सनल एनालिसिस आर पेड, उसके निश्चित फीस आपको देनी होगी, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट abhishekphatnagar.in और 99 एडवाइस को ज़रूर देखें, और अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन वेबसाइट्स में तो आपका स्वागत है, हम आपको पूरा स्पेस देंगे कि आप अपने थॉट्स भी वहाँ पर लिख सकते हैं, खासतौर से 99advice.com पर, और इसके अलावा आप मेरी न्यूमरोलॉजी रीडिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं अभिषेक भट्टा का फार्मस्ट्री, इसके साथ साथ CL Tech को भी सब्सक्राइब कर लेना।